हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं जा रहा हूं बताने कैसे आप अपने वेबसाइट को चेक करेंगे कि गूगल में इंडेक्स है या नहीं। हाउ टू सी इफ योर साइट इज इंडेक्स इन गूगल। जनरली गूगल में इंडेक्स होने का मतलब होता है कि गूगल के जो सॉफ्टवेयर है वो बोट्स को भेजता है, जिसको हम लोग क्राउलर या स्पाइडर बोलते हैं। वो क्राउलर आपके साइट को अगर स्कैन किए होंगे, क्राउल किए होंगे, तो जरूर उसको इंडेक्स किए होंगे। तो ये चीजें कैसे आप चेक करेंगे कि आपके वेबसाइट गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स है या नहीं, चलिए हम आज डिटेल में देखेंगे। दोस्तों जनरली होता ये है कि जब भी हम लोग अपने साइट को कुछ भी नया कंटेंट या कोई यूआरएल या कोई पेज होता है, चेक करना होता है कि हम अगर सर्च इंजन में आ रहा है कि नहीं सर्च करने पे, तो तभी आता है जब गूगल इंडेक्स करके आपके साइट को रखा रहता है। उस स्पेसिफिक कीवर्ड को जब कोई सर्च करता है तो वो टॉप पे या रिजल्ट पेज में दिखता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखता है। तो जनरली अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं। सिंपल एक आपको सिंटेक्स है, उसको परफॉर्म करना है गूगल के सर्च इंजन पे। क्या करेंगे, गूगल के सर्च इंजन पे जाएंगे google.com पे, उसके बाद से साइट और इसमें लिखेंगे कॉलन, और जो आपका वेबसाइट का डोमेन है उसको लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके वेबसाइट का डोमेन है कुछ भी yoursite.com है, जैसे कि मैं अपना ही वेबसाइट का मैं बताऊंगा, जैसे socialbaida.in है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो इसके बाद हम बताते हैं। और ये चीजें आप सर्च करेंगे तो उसमें जो जो आपके यूआरएल होगा वेबसाइट का और पेजेस होगा वो सभी नीचे आएगा रिजल्ट पेज में, और आप देखेंगे कि ये जो पेजेस हैं उसमें गूगल द्वारा इंडेक्स किया हुआ है। अगर कोई पेज नहीं आता, इसका मतलब कि आपका वेबसाइट इंडेक्स नहीं है गूगल में। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल सर्च कंसोल में चेक कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल में आप क्या करेंगे, उसमें जाएंगे, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल है, एक सेक्शन है, उसमें जाकर अपने यूआरएल डालेंगे और बता देगा कि ये जो आपका यूआरएल है या साइट है वो इंडेक्स है या नहीं। तो यही है दोस्तों, और चलते हैं हम आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखाते हैं कैसे आप सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और google.com खोलते हैं। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं ये खुल गया। इसके बाद से साइट जो सिंटेक्स है वो डालेंगे, और socialbaida.in ये एक्चुअली मेरे वेबसाइट का डोमेन है। जैसे कि आप देख रहे हैं www.socialbaida.in मेरे साइट का डोमेन है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे वेबसाइट के कौन कौन से पेज गूगल में इंडेक्स है। तो अब जैसे कि देख रहे हैं होम पेज है, डैशबोर्ड है, ये सभी पेजेज आप जो देख रहे हैं ये लगभग इंडेक्स है गूगल में। अगर ये कीवर्ड सर्च किया जाए तो आसानी से सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपको दिखेगा। इसमें ब्लॉग है, पोस्ट है, अलग अलग पेजेस है जो इंडेक्स है। तो जनरली आप दोस्तों देख सकते हैं। और एक छोटा सा एक और डोमेन हम लेते हैं, एक है मेरा नया डोमेन है जो हाल ही में हमने खरीदा है, तो उसको हम चेक करते हैं, meto.in, www.meto.in। तो इसमें हम सर्च करते हैं, देखते हैं कि साइट गूगल में कितना इंडेक्स किया है ये जो हमारा वेबसाइट है। तो सिंपली यहाँ पर दिखने में आ रहा है कि एक ही पेज जो होम पेज है meto.in वहीं केवल इंडेक्स हुआ है और कोई पेज इंडेक्स नहीं हुआ है। और इसमें भी एक और चीज देखना है, मान लीजिए socialbaida.in है, तो socialbaida.in और स्पेसिफिक पेज को भी आप चेक करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपका अबाउट अस पेज है, ठीक है, अबाउट अस पेज चेक करना चाहते हैं कि आपका गूगल में इंडेक्स है या नहीं, तो हम देखते हैं, अगर वो होगा तो जरूर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पेज है गूगल ने इंडेक्स करके रखा है, और जो क्राउलर है इस पर विजिट किए हैं इसलिए इंडेक्स करके रखा है। तो कुछ भी अगर कमांड हम सर्च करते हैं, सपोज मान लीजिए कि socialbaida अबाउट अस डालते हैं गूगल के सर्च इंजन पे, तो चांसेस है कि टॉप पर आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आ रहा है यहाँ पे, तो रिजल्ट पेज में वो दिखता है। तो ये है तरीका दोस्तों, आसानी से आप चेक कर सकते हैं। और ये रहा हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।